हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस कंसल्टेंट के थ्रू यूके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा रूम है, मैं अभी लंदन में रहता हूँ। जी हाँ, और सोने में सुहागा ये है, इस रूम के नीचे ही मेरी कंपनी है दोस्तों, जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ। तो बहुत ही खुश हूँ मैं कि मेरे आने जाने का खर्चा बच जाता है मेरा, और टाइम की मेरे को बहुत बचत होती है। अब जिस कंसल्टेंट के थ्रू मैं दोस्तों कुवैत आया हूँ, जिस कंसल्टेंट के थ्रू मैं लंदन आया हूँ, कुवैत जवान पर है ना, क्योंकि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, कि जिस कंसल्टेंट ने मेरे को यूके इंग्लैंड का यह वीज़ा दिया है, उस कंसल्टेंट ने मेरे से कहा था, मेरा CV शॉर्टलिस्ट इस बेस पर हुआ था कि मेरे पास 5 साल से ज़्यादा मैनेजर का एक्सपीरियंस है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। लेकिन उन्होंने बस ग्रेजुएशन मांगी थी और कहा था, अख्लाक अगर आपकी डिग्री के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हैं तो आपको आइल्स का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि इंग्लिश का एक टेस्ट होता है, IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट यह होता है दोस्तों। तो अगर आपके सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में आपने पढ़े हैं अपनी ग्रेजुएशन में और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको यह एग्ज़ाम नहीं देना होगा और आप आसानी से इसमें, आसानी से क्या मतलब, चांसेस ज़्यादा होते हैं यूके कनाडा का वीज़ा मिलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, अगर आपके इंग्लिश में आपकी डिग्री है। तो दोस्तों जिसने यह मेरे को जॉब प्रोवाइड की थी, उन्होंने अभी 2 घंटे पहले दोस्तों वैकेंसी निकाली है। उसमें उन लोगों को रेस्टोरेंट मैनेजर और असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर की ज़रूरत है। देखो दोस्तों, कभी भी अगर किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना ना, तो अपनी पोजीशन के हिसाब से अप्लाई करना दोस्तों, है ना। बिना वजह किसी को बहुत सारे मैसेज भेजने से अपनी छवि ख़राब होती है। इसीलिए किसी को भी अगर कभी नौकरी के लिए अप्लाई करोगे, तो एक बार या दो बार उनको बताना, ठीक है, या एक दिन में एक बार मैसेज करना। अगर आप किसी को कंटिन्यू मैसेज करोगे, उल्टे सीधे मैसेज करोगे, तो आपको वो कंपनी कभी भी नौकरी नहीं देगी। तो उस कंसल्टेंट का नाम है दोस्तों के ग्लोबल रिक्रूटमेंट। जी हाँ दोस्तों, यह है, फेसबुक पे जाओ, वहाँ पर जाके सर्च कर लो के ग्लोबल रिक्रूटमेंट, रेड कलर में इनका लोगो होगा, वहाँ पे उस पेज को लाइक करके रखना और देखना कि लेटेस्ट जो उन्होंने नौकरी अभी 2 घंटे पहले डाली है, उसमें अगर आपका रिज्यूम उससे मैच करता है, तो आप उनको अपना रिज्यूम भेज देना। अगर मैच नहीं करता, तो आप लोग इंतज़ार करना, जब आपकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से वो लोग नई वैकेंसी पोस्ट करेंगे अपने पेज पे, तो उस पर आप अपना रिज्यूम सेंड कर देना। मैंने भी ऐसे ही किया था, उन लोगों ने मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट किया, उन लोगों ने एक इंटरव्यू लिया, फिर कंपनी ने एक इंटरव्यू लिया, उसके बाद मेरे को 3 महीने लगे सारा प्रोसेस करने में और मैं आज लंदन आ गया दोस्तों। क्योंकि आप लोग मेरे सपोर्टर हो, इसलिए मेरा काम है लोगों को सही रास्ता दिखाना और उनकी मदद करना, ठीक है। मदद करने के लिए मैं भी हूँ और लोग भी करते हैं, लेकिन हम जो तरीका बताते हैं, उन तरीकों को अगर लोग फॉलो करें ना, तो उनको सक्सेस मिल जाती है। सक्सेस का मतलब जो वो चाहते हैं। तो आप मेरे थ्रू अगर कहीं नौकरी पाना चाहते हैं, तो मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो करें, यकीनन आपको नौकरी मिलेगी। बट थोड़ा सा पेशेंस रखना, जहाँ काम कर रहे हो वहाँ और सीखना, प्रमोशन लेना और मेरे थ्रू अप्लाई करते रहना ऑल ओवर द वर्ल्ड में, क्योंकि मैं तो, मेरा काम है इस चैनल के थ्रू लोगों को सही जेन्युइन कंसल्टेंट से मिलाना, ताकि लोग फेक लोगों से बचें। और जैसे मैं धीरे धीरे इंडिया से कुवैत, कुवैत से लंदन, और यहाँ बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत बहुत अच्छी सैलरी, मैं आपको क्या बताऊँ, जैसा आप सपने में सोचते हो ना, वो वाली सैलरी यहाँ पे मेरी दोस्तों, ऐसी सैलरी आपकी भी होगी। मेरे चैनल पे बने रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप मेरी मदद करें, वीडियो को शेयर करें, तो जो एक दूसरे को मदद करेगा, एक चेन बनती है, तो आपकी भी मदद होगी और आपको भी अपनी जो भी आप चाहते हो वो चीज़ आपको ज़रूर मिल के रहेगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।